हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज, एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं, उन्हें अदृश्य शक्तियां अपनी तरफ खींच लेती है। दोस्तों, पिछले 100 सालों के इतिहास में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल जो है वह उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक त्रिकोण आकार का क्षेत्र है। दोस्तों, यह क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। यह दुनिया में सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, बरमूडा ट्रायंगल का अस्पष्टीकृत घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है। दोस्तों, सबसे पहले दर्ज की गई घटनाओं में से कुछ 19वीं शताब्दी की मध्य की है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल में सबसे प्रसिद्ध गुमशुदगी में से एक फ्लाइट 19 का बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर गायब होना था, जो 5 अमरीकी नौसेना बॉम्बर्स का एक समूह था। 1945 में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान गायब हो गया था। व्यापक खोजों के बावजूद भी दोस्तों, विमानों या चालाक दल के 14 सदस्यों का कोई भी पता नहीं चला। 2000 के दशक में खोजकर्ताओं ने अटलांटिक महासागर में अपने खोज क्षेत्र का विस्तार किया, लेकिन फ्लाइट 19 के अवशेषों की अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई। दोस्तों, जब भी कोई विमान या जहाज ट्रायंगल में गायब हो जाता है तो उसका मलबा नहीं मिल पाता है। इसके पीछे कारण है कि गल्फ स्ट्रीम त्रिकोण के पास से गुजरती है, जो मलबे को जल्दी ही खत्म कर देती है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था। इस क्षेत्र में जहाजों के गायब होने के कारण कई शोध और अध्ययन हुए, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल को लेकर वैज्ञानिकों ने कई शोध किए हैं, परंतु अभी तक इन शोधों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया गया है। अमेरिका ने एक शोध के जरिए बताया है कि बरमूडा ट्रायंगल का इलाका अत्यधिक चुंबकीय इलाका है, जो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल का इलाका मीथेन गैस का भंडार है, जिस कारण इस इलाके में हादसे होते हैं, लेकिन अभी तक इन शोधों का उस इलाके में प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं किया जा सका है। बरमूडा ट्रायंगल में जहाजों के गायब होने को लेकर वैज्ञानिक मौसम को इसका विशेष जिम्मेदार बताते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम की काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद उनका कहना है कि पानी में कई विमान और जहाज गायब हुए हैं, लेकिन वह कैसे लापता हो गए इसके कोई भी सबूत नहीं है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक ने अपने खुलासे में बरमूडा ट्रायंगल को लेकर क्या कहा है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने कहा है कि विमान और जहाजों के लापता होने का एलियंस या अटलांटिस में खोए शहर से कोई भी लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियां और मौसम के खराब होने की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।